दीपावली शरद ऋतु में हर वर्ष मनाए जाने वाला एक प्राचीन सनातन संस्कृति का त्यौहार है। दीपावली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दीपों का यह उत्सव अंधकार पर प्रकाश की जीत का संदेश देता है। माना जाता है कि दीपावली के दिन ही प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में पूरे अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया और तब से ही दीपावली त्योहारों की प्रथा शुरू हुई। पूरे भारतवर्ष में दीपावली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। दिवाली की रौनक पूरे देश को अपनी ओर आकर्षित करती है। बात अगर झारखंड की करें तो यहाँ पर दिवाली की एक अलग रौनक दिखाई देती है। दीपावली की तैयारियों को लेकर यहाँ की बाजारें सज चुकी हैं। दीपावली के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। बाजार में तरह तरह की लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं, जिन्हें लोग आस्था के साथ खरीदते हैं और दीपावली के दिन पूजा अर्चना करते हैं। वहीं देखा जाए तो झारखंड की राजधानी रांची समेत कई शहरों में खलारी के बने लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ खूब बिकती हैं। मूर्तिकार नीता प्रजापति बताती हैं कि उनके घर में तैयार की गई मूर्तियां रांची, रामगढ़, लोहरदगा समेत अन्य शहरों के व्यापारी खरीद कर ले जाते हैं। दीपावली के 3 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी जाती है। कब से आप लोग मूर्ति बनाने का काम करते हैं? मूर्ति बनाने का काम करीब 10-12 साल से हम लोग कर रहे हैं। कौन कौन साइज का बनाते हैं? छोटा साइज, उससे बड़ा साइज, उससे बड़ा साइज, मतलब मेरे पास 6 साइज है। कितना से कितना रुपए तक का हो जाता है? 45 रुपया से लेके आपका 1000 रुपया तक का मूर्ति जाता है। और कहाँ कहाँ तक मूर्ति जाता है आप लोगों का? मूर्ति हम लोग का गुल्ला, रांची, लोहरदगा और खूंटी, उतना एरिया जा रहे हैं। लातेहार भी जाता है। दीपावली को लेकर पहले से तैयारी करना पड़ता होगा आप लोगों को? हाँ, हम लोग को 3 महीना पहले से तैयारी करना पड़ता है। 3 महीना पहले से मूर्ति रंगते हैं, रंग रंग के जमा करते हैं, तो फिर एक बार जमा, एक बार नहीं होता है ना, धीरे धीरे करना पड़ता है। तो घर का काम करने के बाद ये सब जो समय मिलता है? घर का काम करने के बाद बच्चा लोग स्कूल जाता है, लोग स्कूल भेजने के बाद नाश्ता खाना करने के बाद ही ये सब काम करते हैं।